घनिष्ठ मित्र है हम लोग। सो वेलकम, वापस आ गए हम एक नए टॉपिक के साथ हमारे चैनल में, नए वीडियो के साथ। तो आज हमारे फैकल्टीज में बज्जी है रौनक, लगी है रौनक, क्योंकि हमारे फैकल्टी में आए हैं सारे हमारे एलिमनीज, सारे न्यायाधीश यानी कि जजेस। तो आज आप कह सकते हैं कि आवर फैकल्टीज फैकल्टी ऑफ लॉ इज कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ जज, क्योंकि आज बहुत सारे हमारे एलिमनी, हमारे सीनियर्स जो जज अच्छे अच्छे पोस्ट में हैं, दे आर इन्विटेड हेयर टू अटेंड प्रोग्राम। तो उनको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है, तो देखिए और इन्जॉय कीजिए कि किस तरह हो रहा है। आई थिंक यू विल लाइक। साड़ी में फूल लेके बताइए, हो क्या रहा है यहाँ? यहाँ पे तिलक लगाया जा रहा है। किस लिए? जो कि सारे तिलक लगाया है। आज का विशेष और क्या है प्रोग्राम? विवाह सम्मान समारोह। सुने आज बहुत सारे गेस्ट आए हैं। जी। कौन आए हैं? जजेस आए हैं, जो यहाँ पे जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, जो यहाँ के एलुमनाई, यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो ये रहे सारे छात्र जो काम में व्यस्त हैं। यहाँ सारे हमारे क्लासमेट्स एंड सीनियर्स, दे आर हेल्पिंग टू टीचर्स, क्योंकि प्रोग्राम को कंप्लीट करना है। तो बहुत ही रौनक के साथ, बहुत ही जोशीला के साथ वो व्यस्त है अपने काम में। देखिए स्टेज में हमारे ऑनरेबल टीचर्स हैं, हमारे डीन सर हैं, जो काम को पूरा कर रहे हैं, सबको सम्मानित कर रहे हैं, सबको प्राइजेस दे रहे हैं, सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा था। एंड वी आर वेरी प्राउड टू सी देम कि हमारे फैकल्टी से बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट में दे हैव, एंड नाउ दे हैव केम हियर टू गाइड अस, हमें सिखाने को जाए हैं। तो देखते हैं और सुनते हैं इनकी बातें। ये थे सारे ऑनरेबल हमारे जजेस जो अच्छे अच्छे सीट्स में, अच्छे अच्छे पोजीशन में हैं। तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खूबसूरत था इनसे मिलने का। तो आप दिखाते हैं आपको सारे नज़ारे किस तरह से यहाँ पे व्यस्त थे, बहुत ही अच्छी थी। तो देखिए और इन्जॉय कीजिए।
अशोक हमारे सबसे ज्यादा नजदीकी और सबसे ज्यादा घनिष्ठ मित्र है। हम लोगों ने साथ और 3 वर्षों तक भगवान दास हॉस्टल से ला फैकल्टी तक सुबह आना और जाना साथ ही हुआ, ये हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है। और मैं आग्रह करूंगा पहले यह देने से कि गोपाल से कि अशोक यादव को समय दिया जाए कि ये कुछ बोले। ये रेयर ऑकेजन है, और करीब 25-26 वर्षों के बाद हम और ये अशोक मिले भी हैं। सोच सकते हैं 365 दिन प्रतिदिन 24 घंटा साथ रहता हो, 26-27 वर्षों के बाद मिल रहा है। जिंदगी में लगभग 36 वर्ष बीत जाने के बाद हम इस संस्थान में वापस आए। ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगा कि इस बीच में यह हॉल बना हुआ है जिसमें हम सब लोगों को सम्मान किया जा रहा है। वास्तव में हम सब आज कृतज्ञता व्यक्त करने आए हैं अपने संस्थान के प्रति, मामला की बढ़िया कुछ होने के प्रति, जिसके लोग जो है पूरे विश्व में फैले हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा यहाँ के सारे लोग जो निकल के बाहर गए हुए हैं, अभी जो विश्व में जहाँ जाते हैं हम लोग जाते हैं देखते हैं कि वहाँ विशिष्ट लोग हैं, और विशिष्ट लोग जाने जाते हैं अपने दौर में वैली मेंटेन करने। हम लोग जो मानेंगे यहाँ का जो आईकार होता था उसके पीछे एक लाइन नीचे होती थी, सबसे की पंक्ति नीचे होती थी, जो शुरू होती थी इनका काम है राजम, जैसा कभी अपने शुरुआती भोजन में ही जो कंडक्ट करे तो उन्होंने बताया। ये खुद में इस बात की प्रेरणा देता है हमारा संसार इन पर्टिकुलर और एक्चुअल जनरल कि एजुकेशन इज मिशन, और अगर ये महामारी बढ़िया नहीं होती, ये बात चिंता नहीं होती तो हमारे लिए तमाम पता ही कितने लड़के आई मंच में नहीं। मैं इतने से शुक्रिया ज्ञापन करता हूं अपने सम्मान प्रति आयोजन समिति को कि उन्होंने हमें इस बात समझा, यहां बुलाया, मुझे सम्मानित किया। मैं इतने से अपने संस्थान का मात्र संस्थान का आभारी हूं। धन्यवाद सर। और किसी छात्र के जीवन में इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि जिस समाधान में बैठकर कर वो पढ़ाई किया करता था आज इस समाधान में उसका सम्मान किया जा रहा है। इस स्मृति के साथ उसने छात्रावास और संघाय का सफर तय किया, एक मिनट सम्मान दे रहा था और दूसरा मिनट सम्मान दे रहा था। प्रणाम करते हुए तो वी आर वेरी प्राउड टू हियर द ऑनरेबल जज की बातें। तो सुनते हैं बच्चों से भी कि इनको क्या कहना है आज के बारे में। सर आज यहाँ हो क्या रहा है? जितने भी एलुमनाई हैं जो बीएचयू से पास आउट हुए हैं, चाहे वो जज हो, आईएएस ऑफिसर हो, प्रोफेसर हो, सबको इन्वाइट किया गया है 100 years ऑफ लॉ फैकल्टी। जब भी अच्छा सा प्रोग्राम हो रहा है महामना सभागार में, आप सबका वेलकम है। हाँ, तो आप लोग उनको वेलकम करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं पुष्प के साथ, तिलक के साथ। बहुत ही लिस्ट बना रहा हूँ जो बाद में आ रहे हैं, मतलब थोड़ा लेट हो गए हैं, उनके लिए मैं लिस्ट बना रहा हूँ ताकि बाद में फिर वहाँ कोई दिक्कत ना हो। क्या सीखने को मिलेगा उनसे आपको यहाँ? उनके एक्सपीरियंस शेयर करने को मिलेंगे कि वो क्या किए, कैसे किए, इस पोजिशन पे, इस डेजिग्नेशन को कैसे पहुँचे, कितनी मेहनत करनी पड़ती है LLB के बाद भी, और LLB के बाद भी एक अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या करना ज़रूरी है। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।